कासगंज जिले में कांग्रेस की मोहब्बत का पैगाम कार्यक्रम के तहत कांवड़ यात्रियों के लिए एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान कर उनकी सेवा की और उन्हें प्रसाद वितरण किया। आपको बता दें, मथुरा बरेली हाईवे पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अदनान खान की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए एक कैंप लगाया। इस कैंप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को फल में शरबत वितरित कर उनकी सेवा की और उन्हें प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं जानकारी देते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अदनान खान ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर इस कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप के माध्यम से हम देश में एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? हमारी पार्टी के नेता हिंदू नहीं है और हिंदू क्या केवल बीजेपी की ठेकेदारी में आते हैं? क्या नाम है आपका जी? मुझे अदनान खान कहते हैं, मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कासगंज हूँ। आज जो कैंप लगाकर प्रसाद वितरण हो रहा है, क्या है पूरा मामला? ये हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेश था, उसके आदेश को मानते हुए हमने मोहब्बत के पैगाम के नाम से आज यहाँ पर श्रद्धालुओं को, जो कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, उनको प्रसाद जो है बांटा है। जबकि भाजपा कहती है कि कांवड़िए जो है एक हिंदू समुदाय से आती हैं और कांग्रेस हमेशा कांवड़ का विरोध करती आई है। भाजपा तो बहुत कुछ कहती है, पत्रकार महोदय, क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या उनको हिंदू नहीं माना जाता है? हमारे और जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, अविनाश पांडे जी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, अजय राय जी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हिंदू नहीं है? हिंदू का केवल बीजेपी की ठेकेदारी में आता है? और हमारे तिरंगे का रंग, हमारे झंडे का रंग ही ऐसा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान की झलक नज़र आती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हमने हमेशा साथ लेकर चलने का काम किया है और आज मोहब्बत के पैगाम के नाम से एक अच्छी पहल हम लोगों ने की है, कांवड़ यात्रियों को सम्मान दिया और उनकी सेवा करी और उनको प्रसाद बांटा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।